याद है ना अंजलि, पत्रकार पोपटलाल फिर से आ रहे हैं रहने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में। इसका मतलब एक और लड़वैया हमारी सोसाइटी में आ रहा है। अच्छा हुआ तूने फोन किया, मैं एक जरूरी काम से सूरत जा रहा हूँ, कल शाम तक आ जाऊंगा। ऐसी भी क्या जल्दी है कि आज के आज ही जा रहे हो? अरे भाई उधर एक प्लॉट देखने जा रहा हूँ। देखिए संभल कर जाना, अपनी तबीयत का ख्याल रखना और पहुँचते ही खत लिख देना। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का एक पुराना साथी फिर से रहने आ रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में। कौन? अरे कौन क्या, वही आदमी जो हर बात में बोलता है एक मिनट मैं बोलूंगा, दुनिया को हिला डालूंगा, और वो है पत्रकार पोपटलाल। बिल्कुल सही पहचाना। देवा, गोकुलधाम सोसाइटी में और एक नमूने की सवारी आ रही है, पत्रकार पोपटलाल की। अरे सुनो सुनो, आप लोगों को पता चला कि पोपटलाल भाई आ रहे हैं? अरे हाँ पता है पता है। ए, पोपटलाल भाई की शादी वादी हुई कि नहीं? एक्चुअली अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। हाँ? लेकिन कब होगी? मैं तो कहती हूँ अब उनको शादी कर लेनी चाहिए। सच्ची? हाँ, पर उस पोपट भाई का अक्रूर स्वभाव देख के ना कोई लड़की उनको शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी। अरे बबीता, लड़की नहीं औरत बोलो, औरत। वो भी बात है। नहीं नहीं, वैसे बबीता जी आप कुछ भी कहो, लेकिन उनका स्वभाव इतना अकड़ू नहीं है। अरे हाँ, खरतर मेरे साथ भी अच्छे से पेश आते हैं वो। हाँ तो? अरे उनकी शादी क्यों नहीं होती है बताओ? एक बार वो लड़की देखने गए, सीधा लड़की को जाके पूछते, क्यों लड़की तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? अरे लड़की क्या जवाब देगी? अब मेरा बस चले ना तो मैं खुद पोपट भाई के लिए एक लड़की ढूंढ कर लाऊं। क्या है बबीता जी, उनकी शादी हो जाएगी तो आपको पड़ोस में एक फ्रेंड मिल जाएगी ना? ओ प्लीज, वो मेरे विंग में रहते ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। क्यों? क्यों क्या, वो पोपट भाई कितने बार मेरे घर को अपना घर समझ के बेल मारते और गलती होने पर सॉरी भी नहीं बोलते, और कभी कभी जब घर पे आते थे मुझे और अय्यर को इतना पकाते थे कि बस पूछो मत। नहीं नहीं बबीता जी, आप कहते हैं उतना वो पकाते नहीं है। ओ प्लीज, वो कब आने वाले हैं? अरे वो आएंगे तब हमें पता चल ही जाएगा कि वो आ गए, है ना? तो है। अरे महिला मंडल का आज का एजेंडा क्या है? हाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? महिला मंडल आपके खिलाफ मोर्चा तैयार कर रही है। हाँ। और हाँ, आज हम लोगों ने ऐसा फैसला किया है ना जिसे सुनते ही आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। क्या पर क्या? हाँ, अब तो आप लोग काम से गए। हाँ। माधवी काय चाललंय सगळं? अरे आप लोग तो कितना डर गए। अब शक्ल को देखो उनकी। अरे स्त्री शक्ति से सबको डरना पड़ता है, हम नहीं डरेंगे तो कौन डरेगा? हंस तो भाई आप लोग भी कमाल के। अच्छा हाँ दया भाभी, ये जेठालाल अचानक सूरत क्यों चला गया? देखो ना, दुकान पर से फोन किया और सीधा बारो बार ही निकल गया, कल तक तो आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, इसीलिए आज सोसाइटी में इतनी शांति है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं भीड़े भाई? नहीं मतलब ये कि जेठालाल नहीं है तो सोसाइटी में शांति है, कोई हंगामा नहीं है। भीड़े भाई, शांति तो किस्मत की बात है, कोई नहीं बोल सकता शांति कब जाएगी और अशांति कब कहां किस रूप में आएगी। वारे वा देविन, ये कौन से सीरियल का डायलॉग है? अरे वो नई सीरियल है ना, मैं तुलसी तेरे आंगन की, हिम्मत हो तो पानी डाल के दिखा, उसका ये डायलॉग है। माफ करना दया भाभी, मैं गलत था, जेठालाल जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ा है वैसे। चला माधवी घर ही चला, चलो। ओके ओके, बाय बाय, चलो बाय। सुनो बाय, चलो बाय।
अरे टपूड़ा समाचार देखने देना बेटा। दादाजी पाँच मिनट, पाँच मिनट। टपू बेटा कहाँ हो तुम? चलो बेटा दूध पी लो। दूध कहाँ हो टपू? ए टपू चलो बेटा। तो अरे बापूजी टपू कहाँ है? पता नहीं बहू, अभी तो यहीं पर था। अच्छा यहाँ पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। ये दूध अपना किचन में रख देती हूँ, फिर बाद में पिला दूंगी। मैं जा रही हूँ बापूजी। ठीक है। हाँ पकड़ लिया। दादाजी दादाजी क्यों बताया आपने? चलो बेटा दूध पी लो ना। चलो नहीं मम्मी, मुझे दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। बहू रहने दे, टप्पू अब बड़ा हो गया है, वो अपनी मनमानी ही करेगा, हमारी बात थोड़ी सुनेगा। क्या दादाजी आप भी लाओ। अरे वाह, अरे वाह। बस दादाजी शाबाश टपूड़ा। अच्छा बेटा अब सो जाओ, और देखो आज मेरे साथ ही सोना, तुम्हारे पापा नहीं है ना तो मुझे डर लग रहा है। ओके मम्मी, गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र बाबू। दिमाग की लस्सी कर दिया इसने, भोपाल से लेकर यहाँ तक चपर 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 कितना बोलता है, कितना झगड़ता है। अरे कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने इसका भाड़ा उठाया, और ऐसा नमूना मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। हमारा चैन हमारी नींद उड़ा के और खुद आराम से सो रहा है। ओए कल्लू चल जा उठा उसे। इसकी तो ए पोपट उठ, ए पोपटलाल उठना, गोकुलधाम सोसाइटी आ गई है। ए पोपट उठ। उस्ताद ये पोपटलाल खराटे मार रहा है, नींद में से उठ ही नहीं रहा। नहीं उठ रहा है, अभी मजा चखाता हूँ इसे। चखाता हूँ तुझे मजा। पापा जी, पापा जी खुशखबर, पोपटलाल उठ गया। कैसे ब्रेक मारता है, कैसे ब्रेक मारता है, गाड़ी चलानी भी नहीं आती। अरे लाइसेंस किसने दिया तुझे? अभी मुझे लग जाता तो। अरे लगा तो नहीं ना। लगता तो। अरे लगता तो अच्छा होता, तेरा मुंह तो बंद हो जाता। भोपाल से यहाँ तक चपर 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 चपर, और बचपन से लेके आज तक मेरे पिताजी ने मुझे इतना नहीं डांटा और ना ही इतनी सलाह दी जितना तूने मुझे एक दिन में डांटा। मेरी सोसाइटी में आके मुझी से जबान लड़ाते हो? और तेरे से जबान भी नहीं लड़ानी, तेरे से पंजा भी नहीं लड़ाना। मुझे अपने 15,000 दे दे, मैं जाऊं। क्या 15,000? 7,000 रुपया भाड़ा तय हुआ था भोपाल से यहाँ आने तक का, एक रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा 7,000 से। 15,000? अरे रास्ते में लेफ्ट लो राइट लो लेफ्ट लो राइट लो ऐसे करते करते 200 किलोमीटर तूने ज्यादा घुमा दिया, तो डबल भाड़ा हो गया कि नहीं? अच्छा हाँ, ऊपर से पुलिस वाले के साथ तोड़ पानी हुआ वो अलग। 15,000 ही लूंगा पूरे। 15,000? अभी मजा चखाता हूँ, सोसाइटी के सब लोगों को नीचे उतारता हूँ और फिर ऐसे पिटवाऊंगा ना कि नानी याद आ जाएगी इसको। ए जेठालाल, ओ भीड़े, ओ सोड़ी, सब लोग नीचे आओ। अरे सो क्या रहे हो, घोड़े बेच के नीचे आओ। जेठालाल, ए जेठालाल, बुलाओ। अरे ओए सब लोग नीचे आओ ना। किसी ने टप्पू के पापा को बुलाया? इतनी रात को थोड़ी ना कोई होगा, मैं भी।
अरे ओए सब लोग नीचे आओ ना। हाँ हाँ जोर से बोल जरा। और जोर से। बोलना। उस्ताद जी भाग रहे बैटरी डाउन करेगा क्या? छोड़ मैं बुलाता हूँ। अरे भाई सुनो। कौन है नहीं रात नू हॉर्न मार रहे? मम्मी। हाँ 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 बेटा। मम्मी क्या क्या हुआ? किसकी आवाज है? पता नहीं लेकिन कोई प्रॉब्लम जरूर है। चलो बेटा हम देखते हैं। आओ जल्दी चलो चलो। ओ मैं कह दी एक जमदूत किसका है जी? आगे से ले जाओ, हमें तो तंग कर दिया इसने रस्ते में। कौन आवाज कर रहा है इतना? अरे सोड़ी भाई आपके रिश्तेदार लगते हैं। ओ दया पापी जी, हर सरदार जी मेरा रिश्तेदार नहीं होता। हाँ पर है मेरा सरदार प्रा। ओ सत श्री अकाल जी। ओ सत श्री अकाल जी। अरे कौन है, कौन वहाँ पे? मैं हूँ पोपटलाल। अरे पोपटलाल तू? अरे माय गॉड आ गया पोपटलाल वापस। तू कैसे पता? अरे क्या कैसे हो, जैसा था वैसे ही हूँ। पोपटलाल कभी बदल सकता है? अरे लेकिन तेरे बाल इतने कम कैसे हो गए? अरे वो अंधेरे इससे दिख नहीं रहे चश्मेश। चश्मेश मत बोल मुझे। अरे माधवी भाभी नमस्ते। नमस्ते, कैसी है आप? हाँ अच्छी हूँ। सोनू बिटिया भी बहुत बड़ी हो गई है। सोड़ी ओपरा। ओए पापा जी। सत श्री अकाल, कैसे हो? ओए पापा चंगा एकदम पार्टी शाटी। रोशन भाभी सत श्री अकाल। नमस्ते कुकी पापा चंकर। नमस्ते करो। अरे दया भाभी जय जिनेन्द्र, कैसी हैं आप? अच्छी हो। आपके थेपले में रोज याद करता था भोपाल में। हा? अरे कल सुबह आता हूँ थेपला खाने। हाँ हाँ जरूर पधारिए। अरे जेठालाल कहाँ है? वो तो सूरत गए हैं। मेहता सबने बताया नहीं कि मैं आने वाला हूँ? ओए पोपटलाल पहचान बाद में बनाना, पहले हमारा भाड़ा दे 15,000 रुपया। पोपटलाल ये कौन है और इस वक्त क्यों चिल्ला रहा है? हाँ। अरे आप लोग सब लोग ऊपर बालकनी में क्या खड़े हो? नीचे आओ ना जल्दी, मैं सब बताता हूँ। आते ही कटकट शुरू हो गई। आ रहे हैं सब लोग नीचे आ रहे हैं, अभी पता चलेगा। अरे पूरे मोहल्ले को बुला ले, मैं डरने वाला नहीं हूँ किसी से। मेरा भाड़ा दे दे 15,000 रुपए। ये भाई ये पोपट तू है कौन? अरे मैं तो इसी सोसाइटी में रहता हूँ। आप कौन है? अरे पोपट भाई मेरे ससुर है। क्या? ससुर है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते भाई लागू। अरे इतनी रात को हंगामा क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, ये पापा जी है ना भोपाल से मुझे तंग कर रहे हैं। मुझसे जो भाड़ा तय किया था उससे डबल भाड़ा मांग रहे हैं, वो भी पत्रकार पोपटलाल से। ये लेखक महाशय क्यों नहीं दिख रहे? अरे ओ मेहता साहब। ओ लेखक महोदय क्या सो रहे हैं अंदर, बाहर निकलिए जल्दी। मेहता साहब। अरे यार इतनी रात गए कौन है भाई? लेखक पोपटलाल। जिस ढंग से दरवाजा खटखटाया मुझे तभी समझ लेना चाहिए था कि पत्थर मार। नहीं नहीं पत्रकार पोपटलाल आ गया है। पोपटलाल वेलकम। थैंक यू नमस्ते भाभी जी। नमस्ते पोपटलाल भाई, आ गए आप एकदम पूरे का पूरा। सही समय चुना है। थैंक यू। अरे थैंक यू बाद में, पहले ये बताओ कि ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि इतने जोर से दरवाजा खटखटा रहे थे? मैं अभी बताता हूँ। ये सरदार जी जो है ना भोपाल से यहाँ मुझे लाने के डबल पैसे मांग रहे हैं, जितना तय किया था उससे डबल, वो भी पत्रकार पोपटलाल से।
वो तो छोड़ो, मुझे मारने की भी बात कर रहा है। कौन है? ये जानता नहीं है पत्रकार पोपटलाल क्या चीज है? दुनिया हिला दूंगा मैं। आराम से। ओए, ए, क्या बोला रे तू? क्या बोला? 38 किलो के प्राणी, मैं ये हिला दूंगा, मैं दुनिया हिला दूंगा। ओए मेरे ट्रक की स्टपनी हिला के बता, फिर बताता हूँ तुझे मैं। पहली बात तो मैं 56 किलो का हूँ, और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। क्या तमाशा लगा रखे रात को अभी? बापूजी, लगता है सोसाइटी में मारा मरी होकर रहेगी। नहीं नहीं, इतनी रात को सोसाइटी में क्या हंगामा मचा रखा है? क्या होता है अभी? टप्पू, कौन सीन है? प्लीज देखो जाके। अरे एक मिनट पोपटलाल, एक मिनट बता दो सही, बात क्या है बता दो सही। अरे ये सरदार जी मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मार खा लेना और बात को यही खत्म कर यार। है? क्या वो हमारे पूजनीय महात्मा गांधी बापूजी ने क्या कहा है? अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, इससे इंसान का दिमाग शांत हो जाता है, समझता नहीं है यार। ओ, मैं कहता हूँ ना, मैं इसको अगर उल्टा भी टांग दूं ना तो भी मेरा दिमाग शांत नहीं होने वाला। ओए आदमी है कोई? ओए तो बक बक करने की जीती जागती मशीन है मशीन। क्या अरे आई एक मिनट, अरे कड़क लक्ष्मी थाम ना बाबा। ए सोड़ी भाई, वो सरदार जी को शांत करा यार। ओ सत श्री अकाल प्रा। सत श्री अकाल जी। ओ मैं रोशन सिंह सोड़ी, अपना की नाम है? सतवान सिंह देओल जी। ओ सतवान सिंह, पिंड केड़ा? ओ जी मेरा गांव जी बद्दोवाल। बद्दोवाल? हां ले, मैं 3 किलोमीटर दूर सानेवाल। तो फिर तू छोटा भाई हुआ ना हमारा। तो सोड़ी, ओ सोड़ी, तू क्या इस बदतमीज से बात कर रहा है? ए मेरे प्रागो बदतमीज मत बोलना तू, तेरी तो नहीं नहीं। अरे ओ सोड़ी यार, तू भूल गया है कि पोपटलाल अपनी सोसाइटी का, तुझे इसको बचाना है। हाँ ओ बदतमीज तू है, ओ मेरा बड़ा खाना चाहता। अगर तूने एक बार और भाड़े की बात की ना तो मैं छोड़ 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 मुझे तो मैं अरे क्या तुझे आती रात को? आराम से आराम। अरे चाचा जी, ओ सोडी तू संभाल अपने सरदार प्रा को, पकड़ के रखो और तू भगवान के लिए चुप हो जा। अरे आप लोग सब मिलके मुझे क्यों शांत कर रहे हैं? मिलके इसको मारो ना। और मुझे मारने की बात कर रहा है? ओए अब मेरे हाथ से तुझे कोई बचा नहीं सकता। फर्ज कीजिए कि आप बहुत गहरी नींद सो रहे हो और अचानक कोई आपको झटके से उठा दे। आप तेज गाड़ी चला रहे हो और एकदम से आपको ब्रेक लगाना पड़े। कैसी खलबली मचेगी जिंदगी में? ठीक वैसी खलबली मच गई है गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों में, क्योंकि आगमन हो गया है पोपटलाल का, माफ कीजिएगा पत्रकार पोपटलाल का, जिसके आने से जो धमाकों की शुरुआत हुई है पता नहीं ये क्या रूप लेने वाली है। पोपटलाल वैसे भी इतना इंटरेस्टिंग करेक्टर है ना कि अगर पास में कच्चा आम रख दो तो 10 मिनट में वो भी पक जाए। और अब तो पल्ले पड़ गया है टेम्पो ड्राइवर सतवंत सिंह, अब ये कितना पकाता है सतवंत सिंह को ये देखने वाली बात है, और ये दोनों मिलके हमें कितना पकाते हैं ये सोचने वाली बात है, और हम सब मिलके आपको कितना हंसाते हैं ये सोचने की जरूरत नहीं है। हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।